वेलकम फ्रेंड्स, मैंने आपको एक पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड एक एक्सरसाइज दी थी उस पर्सनल प्रोनाउन के वीडियो में, और आज मैं उसके सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा और उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स थी, मेरा ख्याल है उस एक्सरसाइज को इजीली जो 20 क्वेश्चन मैंने दिए थे वो आपने कर लिए होंगे, और मैं सोचता हूँ कि इसके जो ज्यादातर क्वेश्चन आपके सही गए होंगे, इसको अच्छी तरह से स्टडी किया होगा। मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ और आपने जो किए क्वेश्चन उनको मैच कर लीजिएगा, और फिर भी कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा हो तो इसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। इट्स ओके, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सेंटेंस वन। फर्स्ट वन, दीज आर माय बुक्स एंड दोज आर योर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर माय बुक्स, मैंने आपको बताया था बुक्स या नाउन है, इस वजह से यहाँ पर क्या बोला जाएगा, पजेसिव का एडजेक्टिव। ध्यान दीजिए, अगर पजेसिव का एडजेक्टिव है नाउन आया हुआ है, लेकिन अगर मैं एंड से जोड़ करके आगे केवल पजेसिव का एडजेक्टिव लगाता हूँ जिसके बाद नाउन नहीं लगाता हूँ तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर माय बुक्स में अगर मैं बुक्स नहीं लिखता हूँ तो ये माइन हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं योर बुक लिखता हूँ तो ये सही होगा, लेकिन आप जानते हैं नाउन को रिपीट करना इंग्लिश में गलत माना जाता है, इसलिए यहाँ पर मैं योर्स करके इसे सही कर सकता हूँ। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा दीज आर माय बुक एंड दोज आर योर्स। ओके, तो दिस वन क्लियर। दूसरा देखिए, यू लुक, यू लुक, आप लगते हो, दिखाई देते हो एज हैंडसम एज मी। ध्यान दीजिए, यह वर्ब से ठीक पहले कौन सा केस आया है, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव की तुलना मुझे किससे करनी होगी, नॉमिनेटिव से, तो यह क्लियर है मी की जगह यहाँ क्या आना चाहिए, आई, क्योंकि नॉमिनेटिव की तुलना नॉमिनेटिव से होती है। तो मेरा ख्याल ये क्लियर हुआ है, आपका शायद सही गया होगा। तीसरा देखिए, लेट, लेट के बाद मैंने कहा था हमेशा लेट के बाद जो केस आता है वो कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन। नाउन में केस है वो आइडेंटिफाई नहीं होता है, प्रोनाउन में हम केस को जान लेते हैं। तो लेट के बाद योर ब्रदर एंड यहाँ पर क्या आना चाहिए, मी आना चाहिए। ओके, तो ये क्लियर हुआ। थर्ड वन, अब आइए फोर नंबर पर, ही फाउंड मी, उसने मुझे पाया, बेटर देन ही। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसकी तुलना इस से नहीं हो रही, बल्कि उसने तो पाया है, और पाया किसको है, मुझे, और उसने किसको पाया है, अपने आप को भी पाया है। तो तुलना वास्तविकता में ऑब्जेक्ट की तुलना और इसके भी ऑब्जेक्ट से होनी चाहिए, जब ये केस ऑब्जेक्टिव तो ये भी ऑब्जेक्टिव चाहिए, इसलिए ही की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पर हिम होना चाहिए। तो ये चौथा नंबर क्लियर हुआ। पांचवे नंबर की तरफ चलते हैं, योर बुक, यहाँ पर फिर वही कंडीशन फर्स्ट वाली आ गई, योर बुक लिखा हुआ है, यहाँ पर भी माय बुक होना चाहिए था, पर बुक को रिपीट नहीं कर सकते इसलिए यहाँ पर हम माइंड से काम चला सकते हैं, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइंड, योर बुक इज थिकर देन माइंड। तो ये क्लियर हुआ। फिफ्थ नंबर, नंबर सिक्स पे आइए, यहाँ पर ही एंड आई, ये ही नॉमिनेटिव केस और आई नॉमिनेटिव केस, इन दोनों को मैंने एंड से जोड़ा है। हेल्प एक वर्ब है जिसके बाद दोनों जो केस आए हैं वो दोनों केस कौन से होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। अगर ये यू ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर भी क्या केस आना चाहिए, हाँ। तो इस तरह से ये सिक्स नंबर क्लियर हुआ। नंबर सेवन, ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन सी, यहाँ पर बिल्कुल ये ही लुक्स बिल्कुल यू लुक की तरह, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरह है, ही की तुलना और यहाँ पर किससे हो रही है, देन के बाद, ऑब्जेक्टिव केस से। ही यहाँ पर कौन सा केस है, नॉमिनेटिव, तो यहाँ पर भी कौन सा केस होना चाहिए, नॉमिनेटिव, यानी सी होना चाहिए, तब ये क्लियर होगा। नाउ एट पे आइए, एट नंबर पर, आई बीइंग, मैंने आपको बताया था बीइंग, बीइंग एक आईएनजी लगा हुआ क्या है, जीरन, और जीरन के ठीक पहले कौन सा केस आता है, पजेसिव केस। बीइंग के ठीक पहले क्या होना चाहिए, माय बीइंग अ डॉक्टर, माय बीइंग अ डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल, यानी इस हॉस्पिटल में मेरा डॉक्टर होना एक बड़े गर्व की बात है, इसलिए यहाँ पर बीइंग के ठीक पहले क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। तो आठ नंबर क्लियर हुआ। नाइन नंबर पाइए, ही सॉ माय गोइंग टू ऑफिस, ही सॉ, उसने मुझे देखा और जाते हुए, हुए का मतलब पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल के पहले केस जो आएगा वो कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जीरण के ठीक पहले तो आता है पजेसिव केस एडजेक्टिव का, और पार्टिसिपल के ठीक पहले प्रोनाउन का कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पर नहीं हो जाएगा। चलिए नाइन नंबर क्लियर हुआ। नंबर टेन पे आइए, इफ वाले सेंटेंस में मैंने आपको बताया था अगर एक कल्पना वाले सेंटेंस हो, वर लगाते हैं, इफ आई वर इन प्लेस ऑफ, परंतु ध्यान रखना यहाँ इन प्लेस ऑफ एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आना चाहिए, ऑब्जेक्ट केस। तो इन प्लेस ऑफ के बाद ही नहीं, यहाँ में आएगा। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर इन प्लेस ऑफ नहीं होता तो इफ आई वर ही सही होता, यहाँ पर इन प्लेस ऑफ की वजह से प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये आपका दस नंबर क्लियर हुआ। अब आइए नंबर ग्यारह की तरफ, I shall be obliged to you and yours family. ध्यान दीजिए, यहाँ yours के बाद family noun आया है,
अगर ये नाउन आया है तो इसके ठीक पहले क्या होना चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव, तो पजेसिव प्रोनाउन अकेला आता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर फैमिली के पहले योर्स नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा योर, तो इस तरह से 11 नंबर में देखिए योर फैमिली से तुलना हो जाएगी। आगे देखिए 12 नंबर, आर डाउट्स आर क्लियर बिटवीन, बिटवीन क्या है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ठीक बाद कौन सा किसान होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, ऐसी स्थिति में ये तो ऑब्जेक्टिव केस है पर ये नॉमिनेटिव केस लगा दिया गया है, इसकी जगह कौन सा केस आना चाहिए मी, इस तरह से ये 12 नंबर क्लियर हो जाएगा। 30 नंबर पे आइए, 30 नंबर में दिस बाइसाइकिल इज नॉट योर्स, दिस बाइसाइकिल इज नॉट योर्स परहैप्स इट इज हर, जब यहाँ पर योर्स लिखा है तो इसको भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हर की जगह हर्स करना पड़ेगा, हर्स करना पड़ेगा तभी सही होगा, क्योंकि ये भी पजेसिव प्रोनाउन है और यहाँ पर मुझे पजेसिव प्रोनाउन लगाना होगा। अब आएंगे नंबर 14 की तरफ, दे विल बी ट्रीटेड, दे विल बी ट्रीटेड वेल बाय हिमसेल्फ, याद ध्यान दीजिए बाय एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के सीधे बाद कौन सा केस आना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, यानी यहाँ पर रिफ्लेक्सिव पीजिए कौन सा केस लगेगा ऑब्जेक्टिव केस, इस तरह से सही हो जाएगा। 14 नंबर, नंबर 15 पे आइए, वॉज इट हिम, मैंने ये कहा था कि जब डमी सब्जेक्ट इट हो तो इस स्थिति में हमको एक बार कौन सा केस मानना पड़ेगा नॉमिनेटिव केस, इसलिए वाज इट हिम नहीं आएगा, यहाँ पर कौन सा केस आएगा नॉमिनेटिव, यानी ही, वाज इट ही हु हैज कंप्लीटेड इट, इस तरह से 15 नंबर क्लियर हुआ। तो अब आइए नंबर 16 पर, 16 सेंटेंस, सपोज, सपोज ही वन मी, ध्यान दीजिए सपोज और इफ कंडीशनल के काम करते हैं, मैंने आपको कंडीशनल बताया था, कंडीशनल में कल्पना वाला अगर सेंटेंस होता है तो आपको नॉमिनेटिव यहाँ भी होगा और नॉमिनेटिव ही यहाँ होगा, तो ही बार मी नहीं हो करके ही बार आए हो जाएगा यहाँ पर, ये गलती होगी आपकी क्लियर। नंबर 17 पे आइए, द टीचर टोल्ड मी एंड हिम ही टू डू इट फास्ट, ध्यान दीजिए यहाँ पर टीचर सब्जेक्ट है और ये वर्ब, वर्ब के बाद जो केस आएंगे वो दोनों केस कौन से होने चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पर द टीचर टोल्ड मी एंड हिम, यहाँ पर ही की जगह क्या आना चाहिए ये माना चाहिए, इस तरह से होगा। अगला ये, he came here with Rekha and I, यहाँ पर देखिए विद एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद दोनों केस कौन से होने चाहिए ऑब्जेक्टिव, रेखा यहाँ पर भले ही ना होने पर उसका केस कौन सा बोला जाएगा ऑब्जेक्टिव, यहीं पर एंड के बाद जो जुड़ा हुआ आई है उसका केस भी कौन सा होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मी, इस तरह से आपका 19 भी क्लियर हुआ। अब आइए नंबर 19, सी लर्न्स बेटर देन मी, याद ध्यान दीजिए यहाँ पर तुलना हो रही है सी की तुलना जो नॉमिनेटिव केस है और इसकी तुलना यहाँ पर क्या हो रही है मी से, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर नॉमिनेटिव है तो इसको भी क्या करना चाहिए नॉमिनेटिव केस होना चाहिए या आई होना चाहिए, ध्यान दीजिए मैंने आपको बताया था यहाँ लर्न एक वर्ब के लिए काम कर रहा है तो बेटर एक एडवर्ब है न कि एक एडजेक्टिव, ऐसी स्थिति में आपको मैंने बताया था इस आई के बाद मुझे डू लगाना जरूरी है, यानी ये बनेगा सी लर्न्स बेटर देन आई डू, ध्यान दीजिए यहाँ पर लर्न्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ा आई के अकॉर्डिंग डू, अगर यहाँ लर्न्स होता तो वहां पर मुझे डिड लगाना होता। नंबर 20 की तरफ आए, इज एज गुड एज मी एंड यू, ध्यान दीजिए यहाँ पर फिर तुलना हो रही है पॉजिटिव डिग्री का केस है, ऐसी स्थिति में ये कौन सा केस है नॉमिनेटिव, ऐसी स्थिति में यहाँ पर नॉमिनेटिव की तुलना किससे होनी चाहिए नॉमिनेटिव से, तो ही इज एज गुड एज मी की जगह क्या होना चाहिए आई और यू नॉमिनेटिव ऑलरेडी है, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए एक रूल आपने पढ़ा होगा 231 नियम, 231, 231 का मतलब पहले सेकंड पर्सन आता है फिर थर्ड पर्सन आता है फिर पर्सन आता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक फॉल्ट और है, दूसरे हम कहेंगे यहाँ पर पहले यू आना चाहिए और फिर इसके बाद यू एंड मी आई आना चाहिए, यू एंड आई, तब ये सेंटेंस बनेगा ही इज एज गुड एज यू एंड आई, तब ये सेंटेंस सही होगा। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन के वीडियो में दिए थे उनका सॉल्यूशन आप मिला लीजिए और फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम्स है तो आप लोग मेरे को फोन करके और ये सारी चीजें पूछ सकते हो। अब हम ये टॉपिक आगे पढ़ाने वाले हैं वो है रिफ्लेक्स प्रोनाउन। ओके वेरी वेल, आई एम कमल जैन, आज का जो टॉपिक है वो आज मैं बताने जा रहा हूँ रिफ्लेक्स प्रोनाउन। रिफ्लेक्स प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक और SSC में पूछे जाते हैं, वैसे तो सर कोई भी एग्जाम हो उसमें रिफ्लेक्स प्रोनाउन का बहुत बड़ा रोल है, प्रोनाउन के अंदर जो पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्स प्रोनाउन, रिलेटेड प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन सभी का बहुत बड़ा रूल है। तो टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आपने पढ़ा होगा और बहुत बिल्कुल कॉमन जो चीजें हैं वो पूछी जाती हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से संबंधित बहुत सारी जो गलतियां हैं उनके आज क्लियर कंसेप्ट करूंगा। देखिए तो चलिए लेट्स स्टार्ट।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है जान लीजिए, रिफ्लेक्ट, बिल्कुल सीधी भाषा में हम कह सकते हैं जो चीज रिफ्लेक्ट होती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर हम सेल्फ और या सेल्व्स लगाते हैं, सेल्फ या सेल्व, ध्यान दीजिए सिंगुलर के साथ हम सेल्फ लगाते हैं और प्लूरल होता है तो हम सेल्व्स लगाते हैं। जैसे अगर आई दिया हुआ है तो आई के लिए हम लगाएंगे माय सेल्फ। पहले भी आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया आई एक सिंगुलर है इसलिए आई के साथ मुझे क्या लगाना है माय सेल्फ। ही भी आप जानते हैं सिंगुलर होता है इसलिए हमें क्या लगाना होगा हिमसेल्फ। सी भी आपका सिंगुलर होता है इसलिए हमें लगाना होगा हरसेल्फ। इट भी सिंगुलर होता है इसलिए हमें क्या लगाना होगा इटसेल्फ। ध्यान दीजिए अगर वन की बात करें तो वन भी सिंगुलर होता है इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा वन सेल्फ। ध्यान दीजिए अब यहां पर हम बात करते हैं प्लूरल्स की। प्लूरल में जैसे वी तो वी का वी प्लूरल होता है इसलिए हम क्या लगाएंगे आर सेल्व्स। और यू यू भी एक प्लूरल होता है इसलिए हम यू के लिए क्या लगाएंगे योर सेल्व्स। ध्यान दीजिए यू होता प्लूरल है इसलिए हमें क्या लगाना होगा योर सेल्फ। पिछले वीडियो में आपको बताया था यू को हम एक व्यक्ति के लिए भी यूज कर देते हैं तो ध्यान दीजिए अगर हम यू अकेला लिखते हैं तब तो योर सेल्फ लिख सकते हैं लेकिन अगर हम लिखते हैं ऑल ऑफ यू या यू ऑल जिससे ये इंडिकेट हो रहा हो कि यू बहुत लोगों को बोला जा रहा है तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा यू के लिए योर सेल्फ लगाना होगा। तो यहाँ पर यू के लिए योर सेल्फ भी लगाया जा सकता है और योर सेल्फ भी लगाया जा सकता है। और ध्यान दीजिए जब हम यू से ये क्लियर कर रहे हैं लोग ज्यादा हैं तो उसी स्थिति में हम यू के लिए क्या लगाएंगे योर सेल्फ। जैसे अगर कोई ये कहता है यू शुड डू इट बाय योर सेल्फ तो हमने अकेला यू लिखा है इसलिए क्या लिख दिया है योर सेल्फ। लेकिन अगर मैंने कहा होता ऑल ऑफ यू तो ऑल ऑफ यू आने की वजह से हमको यहां पर योर सेल्व्स लगाना होगा। या कई बार लिखा होता है बॉयज और फिर लिख दिया उसने यू शुड डू इट बाय तब भी हमें योर सेल्व्स ही लगाना होगा। क्यों लगाना होगा क्योंकि यहां पर बॉयज पहले से ही प्लूरल नाउन लगा दिया गया है इससे क्लियर हो रहा है कि यू है वो बॉयज के लिए इंडिकेट कर रहा है और यू भी यहां पर प्लूरल कंसीडर किया जाएगा और ऐसी स्थिति में यू के लिए योर सेल्व्स ही लगाना होगा योर सेल्फ नहीं। तो यहां पर देखा आपने यू प्लूरल है अब आ जाइए दे और दे भी एक प्लूरल है इसलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे देम सेल्व्स। अब एक चीज जानिए बहुत से स्टूडेंट सोचते होंगे आई में हमने क्या लगाया है माई सेल्फ लेकिन ही में आपने हिमसेल्फ लगाया यहां पर पजेसिव यानी हिज के साथ क्यों नहीं लगाया तो ध्यान दीजिए इसका ये रूल है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन इन दोनों के लिए हम पजेसिव में लगाते हैं और अगर थर्ड पर्सन होता है तो ऑब्जेक्ट में लगाते हैं। जैसे आई कौन सा पर्सन है फर्स्ट पर्सन इसलिए हमने किस में लगाया माय में। बी कौन सा पर्सन है फर्स्ट पर्सन इसलिए हमने क्या लगाया आर में। यू कौन सा पर्सन है सेकंड पर्सन इसलिए हमने किस में लगाया योर में। तो आपने देखा फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो तो हम किस में लगाते हैं पजेसिव में लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन होगा तो इसके हम ऑब्जेक्ट किस में लगाते हैं। जैसे ही का हिमसेल्फ या सी सी कौन सा पर्सन है थर्ड पर्सन तो हमें हर में लगाना होगा हर सेल्फ ही में हिमसेल्फ हिमसेल्फ नहीं। इट भी कौन सा पर्सन है थर्ड पर्सन इसलिए हमने क्या लगाया इटसेल्फ। दे कौन सा पर्सन है थर्ड पर्सन इसलिए हमने किस में लगाया देम में देम सेल्फ लगाया है देयर सेल्फ नहीं होगा। तो यह क्लियर हुआ फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन आते हैं तो हम लगाते हैं पजेसिव के साथ और थर्ड पर्सन आता है तो ऑब्जेक्टिव के साथ लगाते हैं। चलिए यहां पर एक चीज और जानिए या ध्यान दीजिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो हिंदी बनाते हैं वो क्या लगाते हैं स्वयं स्वयं यानी अपने आप। यहां पर इसी के पैरेलल एक प्रोनाउन और होता है जिसका नाम है इम्फैटिक प्रोनाउन। हालांकि बहुत सारी बुक्स में इम्फैटिक का कोई यूज नहीं किया जाता लेकिन आपको बता दें इम्फैटिक प्रोनाउन भी सेम हिंदी निकलता है स्वयं और इसके अंदर भी वही चीजें अप्लाई की जाती हैं सेल्फ और सेल्फ। ये सारे के सारे प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव भी हो सकते हैं और इम्फैटिक भी। पहले तो मैं आपको ये बताऊं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होती है। ध्यान दीजिए
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिक प्रोनाउन में एक छोटी सी स्थिति को समझिए। अगर मैं यह एग्जांपल के द्वारा क्लियर करता हूं, एग्जांपल के द्वारा क्लियर करता हूं, जैसे मैंने कहा आई डू माय वर्क myself, I do my work myself, और एक मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा I myself, I के बाद सीधा लगा दिया मैंने I myself do my work। तो आपने एक चीज देखी, यहाँ पर I और यहाँ myself जो इसका रिफ्लेक्शन लगाया है वो पीछे जाके लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है पीछे पक्का लगा हुआ है। जब हम किसी को बिल्कुल इस सब्जेक्ट के ठीक बात लगा देते हैं तो समझ जाइए मैं जोर दे रहा हूँ इम्पैटिक प्रोनाउन कहलाएगा, और अगर हम दूर जाके लगाते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। दोनों में माइसेल्फ लगा हुआ है पर हम आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, आई डू माई वर्क माइसेल्फ में माइसेल्फ को कहाँ लगाया गया पीछे, और आई माइसेल्फ में कहाँ लगाया है आई के जस्ट बाद, तो अगर हम जस्ट बाद लगाते हैं तो इम्पैटिक है और दूर जाके लगाते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ध्यान दीजिए इम्पैटिक प्रोनाउन किसी बात को जोर देने के लिए एम्फसाइज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि तुम स्वयं एक काम करो, तुम स्वयं यू योर सेल्फ, लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ तुम इस कार्य को स्वयं करो तो मैं बड़े पोलाइटली बोल रहा हूँ, इसलिए हम इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। यू शुड डू योर वर्क बाय योर सेल्फ, यू शुड डू दिस वर्क, या कोई भी सेंटेंस बोलता हूँ तो उसमें हम सीधे से बोलते हैं लाइटली बोलते हैं, देट विल बी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और अगर मैंने एम्फसाइज करके जोर देकर बोला देन इट विल बी इम्फेटिक प्रोनाउन। तो आपने देखा रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन से संबंधित ये इस तरह का जो डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से संबंधित जो एरर्स आती हैं, गलतियां आती हैं, वो किस तरह से पूछी जाती हैं, ओके? तो मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। अभी हम आपको रिफ्लेक्सिव से संबंधित जो एरर्स पूछी जाती हैं उनके बारे में आपको बताने वाले हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से संबंधित गलतियों को अगर फाइंड आउट करना है तो आपको ये पांच जो है रूल्स याद रखने होंगे। इन फाइव जो टिप्स हैं उनके माध्यम से आप रिफ्लेक्सिव से संबंधित होने वाली किसी भी गलती को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इजीली जो रूल्स क्या हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूल्स। फर्स्ट पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रूल है वो ये है नो स्टार्ट फ्रॉम रिफ्लेक्सिव। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट इंट्रोडक्शन देते समय माइसेल्फ से शुरुआत कर देते हैं। ध्यान दीजिए ये रॉन्ग होता है, बिल्कुल रॉन्ग होता है। कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत नहीं करना चाहिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहे पीछे हो या आगे हो, यदि उसका प्रोनाउन दिया हुआ है या नाउन दिया हुआ है तब ही हम उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हैं और लगाना चाहिए। अदरवाइज जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा अक्सर देखने में आया है माइसेल्फ एंड रवि ऐसे, तो ध्यान दीजिए माइसेल्फ बिना आई के यूज किया गया है जो हो नहीं सकता, इसलिए ध्यान दीजिए या माइसेल्फ एंड रवि के स्थान पर होना चाहिए रवि एंड आई। ध्यान दीजिए अगर मैं इम्फेटिक प्रोनाउन लगाना चाहूं तो लगा सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं रवि एंड आई माइसेल्फ, लेकिन अगर मैं अकेला माइसेल्फ लिखना चाहूं तो ये रॉन्ग होगा। या हम इसे ऑब्जेक्टिव केस की भी बताएं, अगर हम ये कहते हैं ही हेल्ड मी एंड हिमसेल्फ तो भी ये रॉन्ग होगा। ध्यान दीजिए उसने मेरी मदद की और ये किसी और की मदद की, तो इसका अगर बाद में ये रिफ्लेक्सिव ही का है तब तो माना भी जा सकता है, लेकिन अगर बाय द वे ये अकेला आया है तो ही हेल्प मी एंड हिम या हर का प्रयोग किया जाएगा, परंतु इस स्थान पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेला नहीं आ सकता है। तो दूसरी कंडीशन आपने देखी जो है इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती, चाहे ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाए या किसी ऑब्जेक्ट वाले स्थान पर। अगर हम ऐसे लिखते हैं ही हेल्प माइसेल्फ तो भी ये रॉन्ग होगा, क्योंकि यहां पर ही लिखा है हिमसेल्फ होता है वर्ड चल भी जाता, लेकिन ही हेल्प माई सेल्फ कभी नहीं हो सकता, बल्कि यहां पर कौन सा केस लगेगा ऑब्जेक्टिव केस लगेगा ही हेल्प मी लगेगा। तो आपने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत नहीं की जा सकती। चलिए दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। दूसरा रूल बेहद महत्वपूर्ण है, दूसरे रूल से संबंधित बहुत सारी जो एरर्स हैं या गलतियां जो अक्सर भूल जाते हैं हमारा। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताता हूं ही एंजॉयड द
पार्टी। और एक सेंटेंस मैंने लिखा, ही एंजॉयड इन द पार्टी। ध्यान दीजिए यहां पर एंजॉयड जो वर्ब है, इस एंजॉयड नाम की वर्ब के लिए ये ऑब्जेक्ट है, यानी उसने एंजॉय किस चीज का किया है, पार्टी का। लेकिन यहां पर उसने पार्टी में एंजॉय किया है, पर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं बता रहा है कि उसने किस चीज का आनंद लिया है। यहां पर उसने एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट दे दिया है। यदि वो वर्ब है जिसका कि ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हम यहां पर रिफ्लेक्सिव नहीं लगाएंगे। अगर यहां पर ही एंजॉयड हिमसेल्फ द पार्टी कर दिया, या ही एंजॉयड द पार्टी हिमसेल्फ कर दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर ऑब्जेक्ट उपलब्ध है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए इस ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन यहां देखिए, ही एंजॉयड इन द पार्टी दिया हुआ है, इन द पार्टी इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए मुझे यहां पर एक ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ लगाना होगा। ध्यान दीजिए, बॉसिस स्टूडेंट इस तरह से रट लेते हैं कि एंजॉय शब्द दिखाई दे जाए, उसके ठीक बाद आपको रिफ्लेक्सिव लगाना है, तो ऐसा कोई बॉन्डेज नहीं है। ध्यान दीजिए, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर अवेलेबल है तो ही आपको रिफ्लेक्सिव नहीं लगाना है, और अगर उसका ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है, वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा और वहां पर लगाना होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के बारे में थोड़ा सा ये जानिए, रिफ्लेक्सिव में ये फंडा, इसका जो सेकंड नंबर है, इसका क्या है, एक मिरर है और एक विंडो है। अगर हम मिरर में देखते हैं तो हमारा खुद का ही चेहरा दिखाई देगा, और अगर हम विंडो में देखते हैं तो हम बाहर के किसी व्यक्ति को देख सकते हैं। इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन जब होता है, जब मैं ही यहाँ पर देखने वाला हूँ और मैं ही यहाँ पर देखने वाला हूँ, अर्थात यहाँ आपने देखा ही एंजॉयड हिमसेल्फ, उसने आनंद लिया है और अपना ही आनंद लिया है, यहाँ पर मिरर वाली कंडीशन अप्लाई होती है। दूसरा, अगर मैं विंडो में देखता हूँ तो देखने वाला मैं हूँ और देखने वाला ऑब्जेक्ट है वो दूसरा है, तो यहाँ पर देखेंगे ही एंजॉयड द पार्टी, इसमें डुअर कौन है, ही, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पार्टी, यानी ये कंडीशन है वो विंडो वाली कंडीशन है, तो विंडो वाली कंडीशन में हम रिफ्लेक्शन नहीं लगाएंगे, और अगर मिरर वाली जो इमेज होगी, मिरर वाला रिफ्लेक्शन पार्ट होगा, उसमें हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। एक एग्जांपल और देख सकते हैं, अगर मैंने कहा ही प्रेजेंटेड द थीम और ही प्रेजेंटेड इन द कोर्ट, यहां देखिए ही प्रेजेंटेड द थीम, यहां भी मैं लिख देता हूं ही प्रेजेंटेड द थीम इन द कोर्ट, तो यहां पर देखिए उसने प्रेजेंटेड पेश किया है, और कोर्ट में किसको पेश किया है, थीम को, यहां पर उसने पेश किया है, पर कोर्ट में पेश किसको किया है, यह ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में यहां पर सब्जेक्ट पेश करने वाला व्यक्ति है वो कौन है, ही, और जिसको पेश किया गया वो कौन है, थीम। ऐसी स्थिति में इस प्रेजेंटेड के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन ही प्रेजेंटेड में यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए उसने किसको पेश किया है, स्वयं को पेश किया है, इसलिए ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन द कोर्ट। यहाँ देखा आपने, इस तरह से मत रटिए कि प्रेजेंट, एब्सेंट और इन सब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, हम किसी भी वर्ड के साथ लगा सकते हैं, अक्सर इस तरह की गलती पूछी गई। जैसे एक एग्जाम्पल था, दिस वॉज द फर्स्ट इंटरव्यू, सो हरीश ड्रेस्ड एंड विज द प्लेस क्विकली, तो यहां पर उसने ये छोटी सी गलती है, इट वॉज द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ हरीश, सो ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ, क्योंकि उसने किसको सजाया है, ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ, अगर उसने किसी और को सजाया होता तो हिमसेल्फ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्सिव जब लगाया जाता है जब ऑब्जेक्ट अवेलेबल न हो। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट अवेलेबल था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट अवेलेबल था, इसलिए हमने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं लगाया है, और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल था, ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं था। ध्यान दीजिए, एक बार ऐसी कंडीशन भी आ सकती है जब एक ऑब्जेक्ट दिया हो तब भी रिफ्लेक्सिव लगाया जा सकता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में इसको रिमूव कर देता हूं, और यहां पर एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, ही washes his claws, और फिर मैंने लिख दिया himself। आप यहां कह सकते हैं सर यहां पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है फिर आपने रिफ्लेक्शन को लगा दिया, तो यहां ध्यान देने की बात है, इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट ये काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि धुलाई का काम कपड़ों का हुआ है, न कि उसके खुद का। तो अगर वो ऑब्जेक्ट
इस वर्ब के लिए काम कर रहा है और इस रिफ्लेक्सिव के लिए काम नहीं कर रहा है तो आप लगा सकते हो। यहां पर जो एंजॉय जो वर्ड था, एंजॉय जो वर्ड था वो इस ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा था या फिर ये रिफ्लेक्सिव के लिए काम कर रहा था। जब यहां पर वॉसेस नाम की जो वर्ब है वो केवल इस ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रही, क्लॉज के लिए रिफ्लेक्सिव के लिए काम नहीं कर रही। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई वर्ब उस रिफ्लेक्सिव के लिए काम नहीं करती है तो आप लगा सकते हो, और अगर वर्ब उसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रही है तो आप ध्यान दीजिए उसके लिए, अगर मान लीजिए रिफ्लेक्सिव के लिए काम नहीं कर रही है और इस ऑब्जेक्ट के लिए कर रही है तो आप लगा सकते हो। लेकिन अगर वो वर्ब है वो रिफ्लेक्सिवली काम कर रही है तो एक ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते। अगर हम यहां लिखना चाहें ही एंजॉयड हिमसेल्फ द पार्टी तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने देखा दूसरी कंडीशन के अनुसार ऑब्जेक्ट वर्ब वाला सिस्टम है, अगर ऑब्जेक्ट वर्ब के लिए वर्क न करे, ऑब्जेक्ट वर्ब के लिए वर्क न करे तो हम रिफ्लेक्सिव लगा सकते हैं। ओके, तो तीसरी कंडीशन देखेंगे अपन ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वैसे तो ट्रांजिटिव वर्ब वर्ब चैप्टर का पार्ट है, लेकिन फिर भी आपको यहां बताना चाह रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है ऑब्जेक्ट हो। अगर किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो समझ जाइए वो वर्ब ट्रांजिटिव होगी, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा और फिर भी वो वर्ब अगर ट्रांजिटिव है तो हमें रिफ्लेक्सिव लगाना होगा। तो यहां पर जो रूल बता रहे हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब का रूल है, ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ही रिफ्लेक्सिव का प्रयोग किया जाएगा, और अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो हम इम्फेटिक का यूज कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं करेंगे। देखिए जरा एग्जांपल के द्वारा इसको समझाते हैं आपको। जैसे अगर कोई ये कहता है ही प्रेजेंट है, उसने पेश किया, तो उसने पेश किया किसको पेश किया, कोई ऑब्जेक्ट जरूर होगा। अगर मैं लिख देता हूं ही प्रेजेंटेड द थीम तो ये सही है, या हम कह सकते हैं ही प्रेजेंटेड और फिर उसने सीधा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया हिमसेल्फ। तो ओवरऑल आपने देखा कि प्रेजेंटेड जो वर्ब है, प्रेजेंटेड वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो भी सही है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम रिफ्लेक्सिव लगाकर उसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्योंकि यहां पर वर्ब ट्रांजिटिव थी इसलिए हम रिफ्लेक्सिव लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहता है ही गोज, वह जाता है, और ही गोज हिमसेल्फ लिख देते हैं तो ये रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि गोज जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। हमने आपको बताया ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो या क्या यानी व्हाट का जवाब देगी, या किसे का जवाब देगी, और या किसको का जवाब देगी, क्या किसे और किसको। अगर इन तीनों में से किसी का जवाब दे रही तो समझ जाइए वो ट्रांजिटिव है। जैसे उसने पेश किया, आप पूछ सकते हैं किसे पेश किया, चोर को पेश किया, अपने आप को पेश किया। अगर कोई कहता है जाता है तो कोई पूछेगा क्या जाता है, जवाब नहीं निकला, किसे या किसको जाता है तो जवाब नहीं निकला। इससे क्लियर हो रहा है कि ये वाली वर्ब है वो ट्रांजिटिव नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब होने पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हम लिख देते हैं ही हिमसेल्फ गोज, ही हिमसेल्फ गोज तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मैंने कौन सा प्रोनाउन लगा दिया, इम्फेटिक। इम्फेटिक के लिए कोई ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव का फंडा नहीं है। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो आपको ट्रांजिटिव वर्ब पहले देखनी पड़ेगी, अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो ही रिफ्लेक्सिव का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 में डिपेंड पजेसिव एंड नॉमिनेटिव, ये रूल से संबंधित एक क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ था, मैं आपको बताता हूं इसके बारे में, जानिए। चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और नॉर्मल वे में क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। डिपेंडेंट जो पजेसिव जो पार्ट होता है वो हमेशा बाद आता है। जैसे कोई कहता है मैं और मेरा भाई तो मैं बोलूंगा आई एंड माय ब्रदर, क्या बोलूंगा आई एंड माय ब्रदर वेंट, इस तरह से। लेकिन ध्यान दीजिए पहले मैंने लिखा आई मैं, उसके बाद मेरा डिपेंडेंट माय ब्रदर आया। अगर मैं इसको मैं लिख देता माय ब्रदर पहले लिख देता और फिर लिखता मैं आई तो ये रॉन्ग होता। ऐसी स्थिति में आपको कहा जाता है कि आपको इम्फेटिक प्रोनाउन लगा करके इसको सही किया जाता है, यानी हम इसको ऐसे कर सकते हैं माय ब्रदर एंड आई माय सेल्फ वेंट, देन इट विल बी करेक्ट। ध्यान दीजिए पहले हमने पजेसिव डिपेंडेंट वाला लगाया है और उसके बाद हम नॉमिनेटिव लगाते हैं, तो उस नॉमिनेटिव के बाद मुझे इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं माय ब्रदर एंड आई तो रॉन्ग होगा, और ये आई के लिए ही केस नहीं है, किसी भी प्रोनाउन के लिए। जैसे अगर मैंने कहा योर ब्रदर एंड यू तो ध्यान रखना योर ब्रदर एंड यू योर सेल्फ लिखना अनिवार्य है,
यानी डिपेंडेंट पजेसिव के बाद अगर कोई केस नॉमिनेट होता है तो इसके बाद एक इम्फेटिव प्रोनाउन का लगाना जरूरी है। अगला रूल है जो है पांचवा रूल, बाय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। ध्यान दीजिए, नॉर्मल वे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बाय एक प्रपोजिशन है जिसके बाद केस कौन सा आता है, ऑब्जेक्टिव। ध्यान रखिए वो कंडीशन कौन सी होती है पांचवे रूल में, जब वो पैसिव बना हो, जैसे ही वॉज टॉट बाय मी। यहां पर ध्यान दीजिए, अगर लिख दिया मैंने ही वॉज टॉट बाय माई सेल्फ देन इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि बाय एक, क्योंकि ये पैसिव कंडीशन है, बाय एक प्रपोजिशन है जिसके बाद ये कौन सा केस लगा है, ऑब्जेक्टिव केस। तो किसी भी प्रपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव। पर मैं यहां पर बता रहा हूं अगर इस बाय के बाद रिफ्लेक्सिव लगाया गया है तो इसकी हिंदी होती है अकेले अकेले, अकेले अकेले। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप अकेले अकेले क्या खा रहे हो, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो, तो मैं बोलूंगा व्हाट आर यू ईटिंग बाय योरसेल्फ, व्हाट आर यू ईटिंग बाय योरसेल्फ, इसकी हिंदी बन गई आप अकेले अकेले क्या खा रहे हो। तो ऐसी स्थिति में इस बाय को, ये पैसिव वाली कंडीशन नहीं है, और इस बाय के बाद कौन सा यूज किया गया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा। तो ये पांच कंडीशन आपने जो देखी, पहली कंडीशन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, नो स्टार्ट फ्रॉम रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव से सेंटेंस की शुरुआत कभी नहीं होना चाहिए। सेकंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर वो ऑब्जेक्ट बन जाता है तो हम उस ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा तो लगा सकते हैं, अगर कोई भी रिफ्लेक्सिव उस ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट दूसरा बाहर से दिया हुआ है, तो फिर उसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरी कंडीशन, वर्ब ट्रांजिटिव होना जरूरी है, वर्ब ट्रांजिटिव का मतलब ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। मैंने आपको बताया रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट बन जाता है, ट्रांजिटिव के अंदर ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। इंट्रांजिटिव के अंदर अर्थात वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा या ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं मांग रही होगी तो हम किसी भी सूरत में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। चौथी कंडीशन, डिपेंड पजेसिव जो है वो पहले आ जाए और नॉमिनेटिव बाद में आए तो हम रिफ्लेक्सिव लगा देते हैं। और पांचवी कंडीशन, नॉर्मल वे में पैसे पैसे होता है तो बाय के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, लेकिन अकेले अकेले, जैसे आप अकेले अकेले कहां जा रहे हो, वे आर गोइंग बाय योर सेल्फ, जैसे तो बाय के बाद यहां पर रिफ्लेक्सिव जो लगाया जाएगा अगर उसमें कंडीशन देखी जाएगी, ये पैसिव वाली कंडीशन अगर नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में हम बाय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है वो बताई हैं, और आप मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो मेरा वीडियो पसंद आया तो आप जरूर लाइक करिए। मेरे इस नंबर पर आप मुझे कॉल करके प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, और जो सब्सक्राइब चैनल है मेरा जो यूट्यूब पर, वो ये वाला चैनल है, और इस चैनल को आप अच्छी तरह से आप सब्सक्राइब करिए, देखिए, और जो प्रॉब्लम है टाइम टू टाइम आपको वीडियो डालता रहूंगा। रिफ्लेक्सिव से प्रोनाउन से संबंधित एक मैं एक्सरसाइज से जस्ट बात दे रहा हूं, जो अगले वीडियो में इसको सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, और ये एक्सरसाइज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्सिव है, तो आपको ये करना है, और इसके बाद इसके आंसर्स हैं वो अगले वीडियो में दिए जाएंगे। थैंक यू।